और आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा आएगा क्योंकि कल का भी ब्लॉग इसमें इंक्लूड कर देंगे। बहुत सारे लोग आप हमसे बोल रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किए कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो इसीलिए कल का ब्लॉग भी हम इस ब्लॉग में अटैच कर देंगे। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, मेरे एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो गाइज, बज रहा है लगभग सुबह का 4:45 और मेरे इतने सुबह उठने का कारण ये है कि हम डिसाइड किए हैं आज से रनिंग पर जाने का। अब ऐसा ही इसलिए क्योंकि अभी तो फ़िलहाल हम ड्यूटी वगैरह पर जा नहीं रहे, अभी तो ऐसे ही स्टैंड बाई में ही है, तो बोरिंग टाइप का और काफ़ी आलसी और लेजी टाइप का लगता है। तो इसलिए सोचे कि क्यों ना आज से रनिंग स्टार्ट किया जाए और जब ड्यूटी लगेगा तब देखा जाएगा। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं और जो अपना चना फुला कर रखे उसको खा के निकलते हैं। फटी ड्रेस पहन कर ही जाएंगे क्योंकि वहीं से वहीं फिर अपना फॉरिन पकड़ा जाएगा 6:30 बजे वाला, नहीं तो फिर वहाँ से आने के बाद अगर चेंज करके जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं फटाक से, मिलते हैं आपसे फटी ड्रेस लगाने के बाद। फटी ड्रेस लगा करके हो गए हैं रेडी ग्राउंड और अपना फटीक जाने के लिए। चलिए चलते हैं पहले ग्राउंड, फिर उसके बाद फटीक। और आज हम फर्स्ट हो गए भाई, सर लोग सोचे भी नहीं होंगे कि हम भी इतना जल्दी उठ सकते हैं। रनिंग हमने कम्प्लीट गई और आज ज़्यादा नहीं दौड़े, आज लगभग 2 ही किलोमीटर दौड़े क्योंकि उतना दिन से आदत छूटा हुआ था ना, तो आदत लगाने के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, धीरे धीरे इसको इंक्रीज करेंगे। अपना रनिंग और एक्सरसाइज हो गया खत्म गाइस, और इसके साथ साथ अपना टाइम भी हो गया है फॉल इन का। चलिए चलते हैं परेड ग्राउंड और आज का आदेश देखते हैं क्या होता है। तुम्हारा भी है कुछ, कोई चिंता नहीं। कल आपको समीर जामोदर का कारनामा दिखाते हैं, कल क्या किया, क्या किया आकाश भैया? एटीएम में जहाँ से पर्ची नहीं निकलता है उसमें एटीएम घुस जाता है। बहुत समझदार लिखा है भाई, इतना समझदार। और कल पिन के जगह यूपीआई पिन डाल रहा था, कहा जाबुदा कौन स्कूल से पढ़ा है भाई, चाईवासा पब्लिक स्कूल। हाँ, एटीएम पिन के बदले यूपीआई पिन डाल रहा है। पॉलिंग खत्म और मेरा प्लाटून तुमको अकेला ही छोड़ के चला गया ग्राउंड से बाहर फटीक करने के लिए, हम अकेले भटक रहे इधर से उधर, कोई नहीं, चलिए चला जाए अब सीधे बैरक। हाँ, बैरक टेंट जब वो लोग आएगा तो फिर वापस आ जाएंगे, तब तक फटीक तो अपना कब का ख़त्म हो गया था, वापस टेंट आके चेंज वेंज भी कर लिया। फिलहाल अभी जाना है अपना दोनों कंबाइन वर्दी धो देना है क्योंकि शायद कल से ड्यूटी लगेगा अपना, उससे पहले खाना लगा रख लेते वरना ख़त्म हो जाएगा। अभी का सारा काम धाम कम्प्लीट, चलिए चला जाए कपड़ा धोने। नहा धो करके तो आ गए और अपना सारा वर्दी भी खींच दिए भाई, लेकिन फिर सबको आयरन करना पड़ेगा, बहुत कष्ट है यार ज़िंदगी में। पहले वाला ही सिस्टम बढ़िया था भाई, कपड़ा मस्त, कपड़ा वपड़ा कोई टेंशन नहीं था, आराम से पत्ता पहनो, 2-3 दिन चलाओ, फिर फेंक दो, फिर पेड़ से पत्ता तोड़ के फिर पहन लो उसको। चमड़ा वाला सिस्टम भी मस्त था भाई, जानवर मारो, खाओ पियो उसको, उसका स्किन पहन लो, अब फिर 10-12 दिन बाद चलाओ उसी को, 10-12 दिन बाद फिर नया जानवर मारो, फिर उसका चमड़ा पहन लो, खाओ पियो फेंक दो। इस बीच अगर कोई दूसरा जानवर भी मार देते थे तो उसको खा पी के आराम से और उसका चमड़ा को पत्थर उत्थर के नीचे दबा दो, फिर कभी कार्य प्रयोजन पार्टी फंक्शन में जाना हुआ तो पत्थर के नीचे से उठा और पहन लो आराम से। खींचने और आयरन करने का कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए था भाई दुनिया में, बड़ा कष्ट है, लेकिन क्या करें, अब आ गया तो करना ही पड़ेगा, जो सब फॉलो कर रहा है वो भी करना ही पड़ेगा। फिलहाल अभी आए हैं पानी लेने के लिए, पानी लेके चलता है खाना खाने। एक तरफ पढ़ाई है, दूसरे तरफ काम, ये दोनों में से क्या करें हम, बताइए। रोल कॉल स्टार्ट गाइस, चले चला जाए कॉलेज में। सर व्हीसिल लगाइए तब ना सब अपना अपना लाइन में लगेगा। जब सर ग्रुप में फॉलिन का मैसेज डाले थे तो फॉलिन का समय भी डाले थे और साथ में ये भी लिखे थे कि सब लाठी लेकर के आएगा, इतना सारा जन है देखिए और लाठी कितना आया आपको दिखाते हैं, मात्र एक लाठी आया है। जल्दी आओ नंबर 5, काहे भूखो आ रहा है यार। ए जामुन, मतलब केटीएम खरीद लिया तो जीने नहीं देगा, अरे पूजा करके आ रहा है क्या? कांग्रेचुलेशंस भाई, आज समीर जामुदा नया केटीएम खरीदा है, केटीएम ड्यूक कौन सा? ड्यूक 200 खरीदा, कितना पड़ा? 2,33,000। चलो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस भाई, चलो पार्टी नहीं देगा तो तुम प्रसादिया खिला दो, खिलाएगा ना, शाम में आ जाना टेंट में, वही वाला टेंट मेरा, ठीक है? पार्टी लेने के लिए भाई, पार्टी लेने के लिए सब एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कांग्रेचुलेशंस समीर जामुदा, नया आईफोन भी लिया है भाई 1,40,000 का और अभी नया केटीएम।
आने दो। हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलिंग खत्म और मजाक मजाक में सर फटीक करवा दिए भाई, पूरा झाड़ू लगवा दिए। लेकिन कोई नहीं, अपना ही एरिया है, जहाँ रहते हैं उसको साफ सुथरा करने में कोई गलत बात नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फटीक करना पड़ गया हमको, नहीं करते बच जाते तो दूसरा डायलॉग निकलता। समय हो गया 6:30 और मैं इसमें तो खाना बन ही गया होगा, तो चलिए चल के खा लेते हैं। और आज टिफ़िन में नहीं रखेंगे, आज भूख भी लगा है और बस भूख ही लगा है तो चल के खा लेते हैं वहीं मेस में ही बैठ के। और साथ में अपना सीक्रेट जड़ी बूटी, पीनट बटर और घी, यही अपना सीक्रेट जड़ी बूटी गाइस। इसलिए थोड़ा बहुत हिम्मत मिलता है, मतलब ताकत मिलता है। आप भी अगर थोड़ा वीकनेस टाइप का महसूस कर रहे हैं तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, पीनट बटर और घी। मेरा तो घर का बना हुआ घी है, लेकिन आप मार्केट वाला भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सुपरस्टार लोग खतरनाक है एकदम ना। तो पीनट बटर और घी खाया करो भाई तुम लोग, सही मस्त हो जाए। नेचुरल डाइट, चलो चलो। हाँ आ रहे हैं, ठीक है भाई, जरूर बॉडी लेकिन मस्त बन गया है, बन रहा है अभी एक ही दिन में बन गया भाई, सही में खतरनाक। अनुभव का भी बन गया भाई, देख रहा टी शर्ट उर्ट टाइट होने लगा है एकदम। नहीं ईट डलाएगा भाई। आ गए मेस और आज अपने मेस में बना है खीर, रोटी और सब्जी, तो प्लस मेरा जड़ी बूटी। तो चलिए चलिए चल के खाते हैं, फिर अपना रोल कर दिया। क्या भैया बात है, ये चाल देखो भाई, ये वॉक देखो, ये आइकॉनिक वॉक देखो। क्या चाहिए, एंड्रॉइड से वीडियो बना लो। लो एंड्रॉइड से वीडियो बना दे रहे, लो एंड्रॉइड से वीडियो बना दे रहे, लो दोनों वीडियो बनेगा। आप प्रेम का आड़ में छुप रहे हैं। अरे 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 अरे, वाह क्या दोस्ती है भाई, क्या दोस्ती है, मजा आ गया। सही बात है, तो दोस्ती होगा नहीं, दोनों एक ही दोस्ती का डब्बा लग भी रहा है एकदम। रोल कॉल ख़त्म और खाना तो रोल कॉल के पहले ही खा लिए थे, अब चल के घर बात किया जाए भाई। मम्मी कल गुस्सा रही थी कि फ़ोन ही नहीं करता, बात करते हैं उसके बाद फिर चलते हैं सोने के लिए। फाइनली खाना पीना और नहाना धोना सब हो गया गाइस, और आज कॉलिंग में सर टोक दिए थे दाढ़ी के लिए, तो सेविंग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ही लग रहा है। और अभी वैसे तो कोई काम बच नहीं रहा, जो था खाना पीना सब शाम में ही हो गया, और जो थोड़ा बहुत काम था हाँ, लेकिन आयरन नहीं कर पाया भाई अपना वर्दी, वो छूटा रह गया एक। कोई नहीं, उसको कल कर लेंगे, फिलहाल अभी चलते हैं ब्लॉग एडिट करते हैं और सोते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में, टिल देन गुड नाइट और भारत माता की जय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, मेरे एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो वैसे ही बज रहा है लगभग सुबह का 5:30, आज थोड़ा लेट हो गया भाई, बस मन में चल रहा था हाँ ना जाए नहीं जाए जाए नहीं जाए, और फाइनली डिसाइड किया जाने का, तो फटीक डिस लगा करके हो गए रेडी, अब चलते हैं ग्राउंड। कम ऑन लेट्स गो गाइस, रनिंग अपना ख़त्म, अब चलिए चला जाए एक्सरसाइज करने। रनिंग और एक्सरसाइज ख़त्म, अब चलिए चला जाए फॉलिन में, विसिल लग गया चला जाए ग्राउंड में फॉलिन होने। क्या हुआ, थोड़ा जोर से बोलिए। देखो ना, हमसे जोर से नहीं, नहीं आप जोर से बोलिए ना, छोड़िए ना, नीरज नीरज के पास दम नहीं है। ए त्यू कहाँ गया, त्यू आया है, ए त्यू इधर आओ, तो कोई लंकेश त्यू को जानता है, तुम्हारे ही गांव का है लंकेश त्यू। नहीं डाले थे उस दिन ग्राउंड में, जो चिंची का आया था बोले थे, तो उसमें कमेंट किया कि ये त्यू मेरे ही गांव का है, बता दीजिएगा उसको, दिखाना तो उसका फोटो दिखा, तो तुम्हारे ही गाँव का है लंकेश त्यू, उसको हाई कर दो एक बार। लीजिए भाई, आपको पहचान ही नहीं रहा है त्यू, हम तो बोल दिया, आप बोले थे बता देना, हम बता दिया। हम लोग को जाना है आज ड्यूटी, और ड्यूटी के लिए हम लोग को बांट दिया गया है, अब यहाँ से हम लोग को छोड़ा जाएगा, तो हम लोग जाके अपना वर्दी वगैरह लगा के रेडी हो जाएंगे ड्यूटी जाने के लिए। टेंट आए थे वापस ग्राउंड से अपना फ़ोन वगैरह चार्ज लगाने के लिए और पावर बैंक, क्योंकि अभी जाना है ड्यूटी दूसरे मतलब जिला में, तो चलिए चलते हैं वापस पॉलिनो का, वहाँ से छोड़ा जाएगा। नहा धोकर के तो आ गए हैं, अब चलिए जल्दी से चल के मेस में खाना खा लिया जाए,
फिर अपने ड्यूटी जाने का तैयारी करेंगे, अपने सारा सामान वामान पैक करेंगे। आ गए मेस गाइस, और आज अपने मेस में बना है मछली, क्योंकि यहाँ रांची में बर्ड फ्लू फैला हुआ है, इसीलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए मछली बना है। साथ में दाल चावल सलाद चटनी और सब्जी। चलिए खाते हैं। धाक आई सन बढ़ा के गईल आई लई में ऊ चार दिन खातिर बाकी हल्फा मचा के गईल। पैकिंग तो हो गया अपना, जिसमें सारा अपना जरूरी सामान, ये मैट जिसपे सोएंगे हम, और ये केला खरीदे थे हम जो बची है मेरे पास। सारा सामान अपना पैक वैक हो गया, और अपना बेडिंग भी मोड़ दिए, बाकी सब का भी सामान लगता है लगभग पैकिंग हो ही गया। और अब हम भी वर्दी वगैरह लगा करके रेडी हो जाते हैं, क्योंकि अभी बज रहा है 10:17 और 10:30 बजे फॉलिन है हम लोग का। अपना सारा पैकिंग वैकिंग तो हो गया, और वर्दी लगा करके भी हो गए हैं रेडी। अब चलते हैं अपना अपना सामान बस में रखने। अपनी सारी बस भी आकर के लग गई है ड्यूटी जाने के लिए। अब बस अपना गिनती होगा, गिनती के बाद फिर निकल जाएंगे अपने अपने ड्यूटी के लिए। कैसा लग रहा है ड्यूटी जाके? उठा हुआ बेचारा, शादी करके आया इसको ड्यूटी भेजा। हाँ यार, बहुत बताओ, यही तो है फौज का नौकरी, बेचारा 4 दिन पहले शादी करके आया है, इसका ड्यूटी लगा दिया। बोलो राजा जी। हाँ, मतलब कि भाई के शादी में। हाँ, जाए छुट्टी ना मिले, देखा देखा ये तो दुख हुआ, ये तो दुख हुआ, क्या करबो। अपना फॉलिंग खत्म, अब चलिए चल के बस में बैठ जाते हैं। और अब अपनी बस भी खुल गई है ड्यूटी जाने के लिए, भगवान का नाम लेके अब चला जाए ड्यूटी। अभी हम लोग जस्ट रांची के बाहर निकलने ही वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना गाड़ी रुकी है दुकान पर ठंडा वगैरह लेने के लिए, पानी वानी पीने के लिए। ये रांची का जगन्नाथपुर मंदिर है, जो जो रांची से होंगे उनको पता होगा, ये जो पहाड़ है उसके ऊपर, वैसे तो पौधा की वजह से दिख नहीं रहा, लेकिन यही है, ऊपर से चढ़ के क्या नज़ारा दिखता है भाई। कभी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा, यहाँ बहुत मस्त सीन रहता है, शाम के टाइम आइएगा तो और बढ़िया। हम तो आएंगे भाई, एक बार यहाँ से जाने से पहले ज़रूर आएंगे। वापस अपना जर्नी कंटिन्यू। लगभग 1.5 घंटा हुआ हम लोग चलते हुए, और अब जाकर के हम लोग पहुँचे। अभी भी नहीं पहुँचे, अभी भी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है पुलिस लाइन, वहाँ जाकर रिपोर्ट करना है हम लोग को। फाइनली 2 घंटे के ड्राइव के बाद हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर, जहाँ अपने को ड्यूटी करना है। और अपना रुकने का व्यवस्था भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वो बंद है। चलिए चलते फटाक से सेटल कर लेते अपना सारा सामान वामान, फिर थोड़ा रिलैक्स होते हैं कपड़ा वपड़ा चेंज करके, और चलते हैं मुँह हाथ धोने। चलो को यहाँ पे अपना जगह है रहने का दिया गया है। अच्छा लगा भाई हमको, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ऊपर छत का भी सुविधा है, सुविधा मतलब छत भी है, गर्मी वगैरह लगेगा तो ऊपर भी जा सकते हैं। और ये रहा अपना बैग, ये रहा अपना बैग, और अपना फ़ैन भी लेकर के आए हम जो पूर्ति के पास है। आ गए अपने रहने वाले जगह पर। सब अपना अपना तैयारी कर रहा है भाई, सेटल कर रहा है बेड बेड कबड़ है जी, बिछा ले रहा बेड। हम बगले में बिछा ले बनी, बहुत बढ़िया रूम में, हवा बहुत बढ़िया होता है रूम में। चलिए आप सबको हम अपना बेड दिखाते हैं। ये रहा मेरा बेड, ये रहा मेरा पंखा, वो रहा मेरा बोर्ड, मस्त अपना जुगाड़ कर लिए हैं भाई रहने का। पहुंच गया, सारा काम हो गया अपना, बेड वेड भी लगा लिया। अब चल के फाइनली कपड़ा वपड़ा चेंज करके रिलैक्स किया जाए थोड़ा, और कुछ खाने चला जाए भाई। सारा बस वस भी अपना पार्क हो गया, सब चेंज वेंज करके फ्रेश हो गए गाइस, और निकले अभी एरिया घूमने के लिए।
और साथ में कुछ खाने पीने के लिए भी, क्योंकि बहुत तेज भूख लगा है। तो चलिए चल के पहले कुछ खाते हैं और थोड़ा बहुत घूम भी लेते हैं यहाँ का एरिया। ये देखिए, घूमते घूमते यहाँ पे हार्ट मिल गया गाइस, लगता है यहाँ पे मार्केट है। हम लोग आए तो थे यहाँ पे ड्यूटी करने के लिए, लेकिन खाने का क्रेज देखिए, खाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रहा था, खुद ही बनाना पड़ गया ना, खुद ही बनाना पड़ गया। सामने भी बगल में मिल गया कुछ दुकान छोटी मोटी सी, तो सोचे बना लेते खुद से। लेकिन ये जो है ना, ये मंचूरियन जो है बहुत ही उच्च दर्जे का, उच्च दर्जे का है, शहर में ऐसा नहीं मिलेगा ना, कभी नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, गांव में बढ़िया मिलेगा। सही बात, प्योरिटी, गांव में इसको क्या बोलते हैं, प्योरिटी है, शुद्ध सोयाबीन। हां एकदम, देखिए इसका साइज ये रहेगा, ये सोयाबीन नहीं, मैं देखने से ही लग रहा है कि प्योर है, बेस्ट क्वालिटी का। क्या बना रहे भाई अमन, क्या बना रहा है? अंडा चाउमीन। चलो बहुत बढ़िया, अरे भाई लोग ये भूखा हो गया, नहीं नहीं बना के खिलाओ भाई, सही है, बढ़िया। हम लोग भी आके खाने उने के लिए देख रहे थे, चावल वाल खिलाता होगा तो कहीं खिलाते हैं अंडा चावल, यहाँ कहीं नहीं, लेकिन हम यही बनाएंगे, आपको खाना है क्या? यहाँ और किस ऐसे नहीं बनता है, इधर बाहरगढ़ मिलता है। अच्छा ठीक है अमन, आते बाहर से, ठीक है भाई आप आइए कभी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी दुकान में जरूर आएंगे नजदीकी, मतलब फिलहाल जो आए हैं। हाँ भाभी की दुकान पे अभी आपको मंचूरियन चिल्ली मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, और ये कौन वाला चिल्ली है, सोया सोया चंप, हाँ अंडा रोल, अंडा चॉप सब मिलेगा ना, बिरयानी, अंडा रोल, अच्छा ठीक है, ठीक है अमन कंटिन्यू करवाते हैं वहाँ से, ठीक है चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। घूम फिर के और थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करके तो आ गए हैं, अब बस आराम से रेस्ट किया जाए। हाँ ये हुआ ना बात, घूमना फिरना हो गया गाइस, और अभी समय अपने रोल कॉल का, अभी लगभग 7 बजे से रोल कॉल है, अभी 9 मिनट टाइम है, तो बाहर ही ऐसे ही टहलते हैं, फिर चलेंगे रोल कॉल में अपना। चलिए इमरान भैया, चलिए रोल कॉल, चलिए, मजा आ रहा है ना ड्यूटी में, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, आपको देख के लग भी रहा है एकदम आराम से, अपना बैठा लिए, बिछा लिए है, रेडी है, और एक उनको देखो, चल भाई रोल कॉल है, चलिए हम लोग ही प्रस्थान करते हैं रोल कॉल की तरफ। रोल कॉल खत्म गई, और अभी अंधेरे की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, कल का आदेश है सुबह, अपने मेस में खाना भी बन गया है ऐसा लड़का लोग बोल रहा, चलिए चल के देखते हैं मेस में, खाना बना तो खाएंगे, नहीं बना तो थोड़ा वेट कर लिया जाएगा, और पत्तल भी ले लिया अपना। ईको 84 में खाना बन गया गाइस, अपना बाकी अभी 5 मिनट में बन जाएगा। मेस से खाना लेकर के तो आ गए हैं, और आज कमाल के व्यू के साथ खा रहे हैं यहाँ बैठ के बेंच पे। वैसे आज अपने मेस से बना था अंडा करी और चावल, जो कि हम आधा फिनिश कर चुके हैं, बाकी का आधा खा के चलते हैं यहाँ से। खाना पीना तो हो गया गाइस अपना, और अब चला जाए आराम करने के लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग में भाई थोड़ा सा थक गए हैं, आप कितना भी आराम करिए, कितना भी आराम से आइए, लेकिन ट्रैवलिंग में थोड़ा बहुत तो हरेसमेंट हो ही जाते हैं, आप लोग भी नोटिस किए होंगे, लेकिन कोई नहीं, कल अपना ड्यूटी है सुबह में ही जल्दी ही, तो चलिए फटाक से वीडियो एडिट करके अपलोड कर देते हैं। और आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा आएगा, क्योंकि कल का भी ब्लॉग इसमें इंक्लूड कर देंगे, बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे थे इंस्टाग्राम पर ही मैसेज किया कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, तो इसीलिए कल का ब्लॉग भी हम इस ब्लॉग में अटैच कर देंगे, तो थोड़ा लंबा होगा ब्लॉग, तो प्लीज़ मैनेज करिएगा, बाकी सब बढ़िया, आप लोग सबका आशीर्वाद है। तो चलिए चलते हैं, अब सोते हैं वीडियो एडिट करके, मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में, टिल देन गुड नाइट, और भारत माता की जय।